हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डीएम लिंदी पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे किस प्रकार से हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें यूआरएल क्रिएट करते समय ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सारी चीजों को हम इस वीडियो में इन डिटेल में कवर करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के जरिए एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ साथ 24/7 क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, डिजिटल मार्केटिंग नोट्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन और भी कई सारे ब्लॉगिंग और एसईओ के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं यूआरएल क्या होता है और किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है और किस प्रकार से हम एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली यूआरएल एक तरह का वेब एड्रेस होता है और हर एक वेब पेजेस का एक यूनिक यूआरएल होता है। दोस्तों, सारे वेब पेजेस का एक यूनिक यूआरएल होता है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये एक तरह का वेब एड्रेस होता है। इस वर्ड में शायद आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, चलिए मैं आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से सभी के घर का एक एड्रेस होता है जिसके मदद से हम हर एक इंडिविजुअल के घर को लोकेट कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार सारे वेब पेजेस का एक वेब एड्रेस होता है जिनसे हम उस पर्टिकुलर वेब पेजेस को एक्सेस कर पाए। और इसीलिए जब भी हम किसी यूआरएल पे क्लिक करते हैं, जिसे लिंक भी कहते हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे एंटर कर जाते हैं जिस भी वेबसाइट का वो वेब एड्रेस होता है। तो दोस्तों, आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली यूआरएल होता क्या है। अब हम यूआरएल स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोस्तों, यूआरएल स्ट्रक्चर बेसिकली चार पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हो, इन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, जो आप HTTPS देखते हो। अगर S लगा हो इसका मतलब SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट होता है, और अगर S न लगा हो तो SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं होता है। ये भी एक आज के समय में इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, तो इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में जरूर बात करूंगा। दोस्तों, उसके बाद जस्ट आगे उसके डोमेन नेम होता है, जो भी आपका डोमेन नेम होगा वो जस्ट प्रोटोकॉल के आगे यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पाथ होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपने बहुत जगह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देखा होगा कैटेगरी होता है, उसके बाद फिर पाथ होता है। तो ये जो बेसिकली स्लैश डालते हैं, ये एक तरह का पाथ होता है। उसके बाद वेब पेजेस होता है, जिन्हें हम परमा लिंक भी कहते हैं, और ये बेसिकली दोस्तों एडिटेबल होता है। अगर आप CMS वगैरह साइट यूज करते हो, वर्डप्रेस की साइट यूज करते हो, तो आपने देखा होगा वहां पे परमा लिंक डालने का ऑप्शन होता है, जिन्हें हम यहाँ पे वेब पेज कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उनका प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के जस्ट बाद डोमेन होता है, उसके बाद पाथ होता है, उसके बाद वेब पेजेस होता है, और दोस्तों इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को यूआरएल कहते हैं और यूआरएल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सारे वेब पेजेस का अलग अलग यूआरएल होता है। जैसे कि ये एक वेब पेजेस है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो सबसे पहले प्रोटोकॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे डोमेन दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पाथ दिखाई दे रहा होगा एरो जैसा जो बना, उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों वेब पेजेस दिखाई दे रहा होगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोटोकॉल, उसके बाद फिर डोमेन आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे पाथ आ रहा है, उसके बाद सेम यहाँ पे वेब पेजेस आ रहा है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि एक यूआरएल का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या, एक आइडिया लग चुका होगा आपको। अब हम देखते हैं कि अगर हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट करने के लिए ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप नोट कर सकते हो, या फिर अभी भी आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, और जब भी आप यूआरएल क्रिएट करो तो इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हो, ताकि आप एक बेहतर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट कर सको। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और इन्हें किस तरह से हम उपयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है यूज कीवर्ड्स इन द यूआरएल। आपको जो यूआरएल क्रिएट करोगे उनमें आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। आप जब कीवर्ड्स का यूज करते हो तो इनसे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है, जब सर्च इंजन आकर के आपके यूआरएल को रीड करता है, तो यूआरएल में भी वो समझ पाता है कि आपने कंटेंट किस बारे में लिखा हुआ है, आपका जो आर्टिकल है किस बारे में। अगर सपोज मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहा हूं, तो अगर मैंने यूआरएल में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मेंशन कर दिया, तो सर्च इंजन को वहां भी समझ आ जाएगा, एक तरह से हमारा कंटेंट यूआरएल के रिलेवेंट हो जाएगा, तो सर्च इंजन प्रॉपर तरीके से हमारे कंटेंट के बारे में समझ पाएगा। और दूसरा, जब हम अपने यूआरएल को कहीं शेयर करते हैं, तो यूजर यूआरएल को भी पढ़ के एक आइडिया लगा सकता है कि कंटेंट किस बारे में। तो दोस्तों, यूआरएल में कीवर्ड्स का यूज करना आपके यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली बनाता है। तो अपने यूआरएल में आप कीवर्ड्स का यूज जरूर करें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हमें कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, क्रिएट परमालिंक्स
रिलेवेंट टू टाइटल, अभी जस्ट मैंने दिखाया कि एडिटेबल जो पार्ट होता है वो इनका ये परमालिंक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ ये परमालिंक होता है। इन्हें क्या करना है आपको, इन्हें रिलेवेंट लिखना है टाइटल के। जब आप परमालिंक को टाइटल के रिलेवेंट लिखो तो जब भी सर्च इंजन आकर के टाइटल को रीड करेगा उसके बाद परमालिंक्स को रीड करेगा तो उन्हें वहां पर रिलेवेंसी दिख जाएगी, जिनसे कि आपके कंटेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। और अगर यूजर भी आपके टाइटल को और परमालिंक को रीड करेगा, जैसा कि आपको पता है सर्च इंजन में जो रिजल्ट शो होता है वहां पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और परमालिंक तीनों चीज दिखाई देता है, तो अगर वहां पे परमालिंक को रीड करता है उसका टाइटल को भी रीड करता है तो उन्हें एक तरह का रिलेवेंसी देख करके उन्हें समझ आ जाएगा कि कंटेंट किस बारे में है। तो दोस्तों इस तरह से परमालिंक और टाइटल में रिलेवेंसी होना बेहद जरूरी है। उसके बाद दोस्तों नेवर यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूआरएल। आपको अपने यूआरएल में न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना है, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर्स का यूज नहीं करना है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स आप जो देखते हो एट द रेट या फिर कोमा, इन सब चीजों का यूज नहीं करना है आपको। आपको कोशिश करना है कि केवल स्लैश का यूज करें, आपको जो भी मैंने पाथ दिखाया था उस तरह से आप पाथ क्रिएट करें। तो दोस्तों इन चीजों को भी आपको माइंड में रखना है जब भी आप एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट करो। दोस्तों उसके बाद है ट्राई टू कीप यूआरएल शॉर्ट। अपने यूआरएल को शॉर्ट रखने की कोशिश करें, ज्यादा लंबा यूआरएल आप ना लिखें। एक शॉर्ट यूआरएल भी आपके बेहतर एसईओ प्रैक्टिसेस को इंडिकेट करता है। उसके बाद है दोस्तों यू कैन यूज ईयर इन यूआरएल अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि लोग यूआरएल में भी ईयर का यूज कर लेते हैं, जैसे 2020 2020, इस तरह से ईयर का यूज भी अपने यूआरएल में कर लेते हैं। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि वो चीजें कंटेंट बाय कंटेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई न्यूज की साइट है और अगर एक पर्टिकुलर मंथ या फिर पर्टिकुलर ईयर ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो, फिर तो वहां पे किया जा सकता है यूआरएल में यूज। जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना वायरस चल रहा है और हर मंथ के डाटा के बारे में सर्च कर, जैसे कोरोना वायरस का जनवरी में क्या डाटा रहा, फरवरी में क्या डाटा रहा, 2020 में क्या डाटा रहा, इस तरह से सर्च कर। तो अगर इस चीज पे कोई ब्लॉग लिख रहा हो कि 2020 में कोरोना वायरस का क्या डाटा रहा, तो अगर वहां पे यूआरएल में 2020 का यूज हो तो दैट इज मच बेटर, वो ठीक है, क्योंकि लोग सर्च करेंगे कोरोना वायरस डाटा इन 2020 तो वहां पे वो चीजें ठीक है। और अगर जनवरी का डाटा हो तो लोग सर्च करेंगे इन जनवरी, अगर फरवरी का डाटा हो तो लोग सर्च करेंगे इन फरवरी। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम अपने यूआरएल में इस पर्टिकुलर मंथ का या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर का यूज करें तो वो तो ठीक है हमारे रैंकिंग के लिए भी, एसईओ के लिए। लेकिन अगर आपका एक ब्लॉग जो कि एवरग्रीन चलने वाला है, लॉन्ग टर्म तक आप उसे रैंक कराना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना, तो उनमें आपको किसी भी पर्टिकुलर ईयर का यूज नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां तक हो सके यूआरएल में ईयर का यूज ना करें, आप अपने टाइटल में ईयर का यूज करें, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करें, कंटेंट में यूज करें, हेडिंग में यूज करें, लेकिन यूआरएल में ईयर का यूज ना करें। और अगर आप करते भी हो तो वो अगर कुछ महीनों शॉर्ट टर्म न्यूज है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म तक आप उसे रैंक कराना चाहते हो तो आप ईयर का यूज या फिर किसी भी मंथ का यूज ना करें, आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। उसके बाद है दोस्तों इफ यू यूज सीएमएस लाइक वर्डप्रेस बिफोर क्रिएटिंग एनी वेब पेजेस चेक परमालिंक स्ट्रक्चर। आप अगर वर्डप्रेस का यूज कर तो आपको किसी भी तरह का वेब पेज क्रिएट करने से पहले एक बार परमालिंक स्ट्रक्चर को जरूर चेक कर लेना है, और आपको परमालिंक स्ट्रक्चर में पोस्ट टाइप को ही चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था कि इस प्रकार से ही आपको चेक करना है, जहां पे आपको प्रोटोकॉल, डोमेन, उसके बाद पाथ, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका परमालिंक आ जाए, वेब पेजेस आ जाए। क्योंकि दोस्तों इस तरह का यूआरएल सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होता है, फिर वो ई कॉमर्स की साइट हो या फिर न्यूज की साइट हो या फिर ब्लॉगिंग की साइट हो, इस तरह का यूआरएल स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। तो आपको वर्डप्रेस में भी ध्यान रखना है कि वहां पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से परमालिंक स्ट्रक्चर ढूंढना, किस तरह से सेट करना है, वहां पे जा करके आपको क्या करना है, इस तरह का यूआरएल स्ट्रक्चर को सेट कर लेना है, पोस्ट टाइप को सेट कर लेना है। चलिए हम फाइनली देखते हैं कि किस तरह से हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल लिखते हैं। आपको इस चीज को नोट कर लेना, और जब भी आप यूआरएल क्रिएट करो तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि अपने यूआरएल में अपने कीवर्ड को यूज करना है, और जो आपका टाइटल हो वो परमालिंक से रिलेवेंट हो, उसके बाद किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज ना करें, अपने यूआरएल को शॉर्ट रखने की कोशिश करें, ईयर का यूज यूआरएल में ना करें, और अगर आप वर्डप्रेस की साइट यूज करते हो तो आपको वहां पे परमालिंक स्ट्रक्चर को सेट करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इन सारी चीजों को अब हम कैसे परफॉर्म करते हैं, सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी वर्डप्रेस की साइट पे। उसके पहले आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने इंटरनेट मार्केटिंग सर्च किया हुआ है तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से यहाँ पे आपको यूआरएल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। यहाँ पे प्रोटोकॉल, उसके बाद डोमेन नेम, पाथ, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको परमालिंक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वेबसाइट पर और दिखाता हूँ किस तरह से हम परमालिंक क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो आपको परमालिंक पोस्ट टाइप कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि परमालिंक पोस्ट टाइप कैसे करना है तो आपको नीचे आना, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सेटिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको परमालिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही परमालिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको परमालिंक, जितने भी तरह के परमालिंक वर्डप्रेस में मौजूद है, यहाँ आपको कई तरीके का परमालिंक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से पोस्ट नेम परमालिंक को सिलेक्ट कर, ये सबसे ज्यादा बेहतर एसईओ फ्रेंडली वाला स्ट्रक्चर होता है, तो आपको यहाँ से पोस्ट नेम सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आप वर्डप्रेस की साइट यूज करते हो तो आपको सबसे पहले पोस्ट नेम कर लेना है ताकि आप अपने यूआरएल को अपने तरीके से क्रिएट कर पाओ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब किस तरीके से हम यूआरएल को क्रिएट करते हैं। दोस्तों यूआरएल को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है और आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल मैंने क्रिएट कर रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पोस्ट लिख रखा है 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इन हिंदी 2021। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2021 का लिख तो रहा हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे 2021 परमालिंक में नहीं डाला है, 2021 मैंने यहाँ पे यूआरएल में नहीं डाला है, क्योंकि इस पोस्ट को मुझे 2021 में नहीं 2022 मतलब बहुत सालों तक मुझे इन पोस्ट को क्या करना है, रैंक कराना है। तो मैं इस पोस्ट को स्पेसिफिक नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2021 यहाँ पे परमालिंक में नहीं डाला है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पोस्ट को लिख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल देख सकते हो, उसके बाद मैंने क्या किया है कीवर्ड्स को, जैसे कि मेरा कीवर्ड्स है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इन हिंदी, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इन हिंदी, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने कीवर्ड को परमालिंक में ऐड किया हुआ है, अब कीवर्ड को परमालिंक में लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब यूजर मेरे टाइटल और परमालिंक को रीड करेगा तो दोनों में एक तरह का रिलेवेंसी दिखेगा, या फिर क्रॉलर भी जब इन दोनों को रीड करेगा तो उन्हें एक तरह का रिलेवेंसी समझ आ पाएगा कि कंटेंट किस चीज से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको अपने टारगेटेड कीवर्ड का अपने यूआरएल में यूज करना। और भी यूआरएल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 25 यूनिक मैक्रोनीज ब्लॉग आइडियाज इन हिंदी, और जो इसमें मेरा टारगेटेड कीवर्ड है वो मैक्रोनीज ब्लॉग आइडियाज इन हिंदी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैक्रोनीज ब्लॉग आइडियाज हिंदी, इन नहीं लिखा है मैंने क्योंकि मुझे यूआरएल को शॉर्ट भी रखना है। तो मेन वर्ड्स को, जो भी मेरे कीवर्ड्स में मेन वर्ड्स है, उसे मैंने यहाँ पे परमालिंक में ऐड किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो एक और यूआरएल को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑन पेज एसईओ क्या है और कैसे करें स्टेप वाइज गाइड इन हिंदी। ऑन पेज एसईओ के बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, इसका मैंने यहाँ पे परमालिंक बनाया ऑन पेज एसईओ क्या है हिंदी, क्योंकि मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है ऑन पेज एसईओ इन हिंदी। तो ऑन पेज एसईओ इन हिंदी जब मेरा टारगेटेड कीवर्ड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑन पेज एसईओ उसके बाद हिंदी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है उसका मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मेरे परमालिंक में आ गया। उसके बाद मैंने क्या है इसलिए लिखा, अगर कोई ऑन पेज एसईओ क्या है सर्च करे तो भी मेरा वेबसाइट रैंक करे, अगर ऑन पेज एसईओ क्या होता है सर्च करे फिर भी रैंक करे, ऑन पेज एसईओ इन हिंदी सर्च करे फिर भी रैंक, तो मल्टीपल कीवर्ड्स पे मेरी एक ब्लॉग पोस्ट रैंक कर सके, इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे परमालिंक क्रिएट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन पेज एसईओ क्या है हिंदी, ताकि मैं अपने सारे टारगेटेड कीवर्ड से अपने परमालिंक को भी ऑप्टिमाइज कर सकूं, इस तरीके से मैंने परमालिंक को यहाँ पे क्रिएट किया है और मैंने इस सारे कीवर्ड से अपने इस ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज किया है। ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ इन हिंदी और सारे कीवर्ड्स पे मैंने अपने इस ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज किया है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से ध्यान में रखते हुए, जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताया, अगर आप इसे ध्यान में रखते हुए कि जो आपका टारगेटेड कीवर्ड्स है उन्हें आप बहुत ही स्मार्टली अपने यूआरएल में यूज करो, उसके बाद जो आपका परमालिंक है वो आपके टाइटल से रिलेवेंट होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ जो मेरा परमालिंक है ऑन पेज SEO, अगर कोई टाइटल रीड करे उसका परमालिंक रीड करे तो भी समझ आ जाएगा कि मेरा कंटेंट किस बारे में, तो ये दोनों रिलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं करना, तो आप देख सकते हो मैंने आपको तीन यूआरएल दिखाया, किसी भी यूआरएल में मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कोशिश करना है किसी भी तरह का ईयर्स का आपको यूज नहीं करना है अपने यूआरएल में, और यूआरएल को शॉर्ट रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों चीजें मैंने अप्लाई करा है, तीन यूआरएल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया तीनों में मैंने अप्लाई करा है। यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल है, ये भी आप देखो तो बहुत ज्यादा शॉर्ट यूआरएल है और ये भी शॉर्ट यूआरएल है, और मैंने किसी भी तरह का ईयर वगैरह का यूज नहीं करा, जबकि मैंने यहाँ पे ईयर को टारगेट करते हुए एक पोस्ट लिखा है लेकिन मैंने ईयर का यहाँ पे यूज नहीं किया, क्योंकि इस पोस्ट को मुझे ऑनली 2021 में रैंक नहीं कराना है, आगे चल के भी मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट मेरा रैंक करे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2021 नहीं लिखा।
और आपको भी इस चीज को अवॉइड करना है। और दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो किस तरह से आप परमालिंक स्ट्रक्चर को पोस्ट टाइप में चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको परमालिंक क्रिएट करना है, इन सारे चेकलिस्ट को ध्यान में रखते हुए परमालिंक क्रिएट करना है। अगर आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना परमालिंक क्रिएट करोगे तो आप डेफिनेटली एक एसईओ फ्रेंडली परमालिंक क्रिएट कर पाओगे। किस तरीके से करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक से ज्यादा भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो तो भी किस तरीके से आपको कीवर्ड्स को अपने परमालिंक में यूज करना है, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से यहाँ मैंने अपने दोनों टारगेटेड कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ मैंने परमालिंक क्रिएट किया है, जिससे कि दोनों कीवर्ड्स से मेरा जो परमालिंक है वो ऑप्टिमाइज हो सके और कंटेंट भी ऑप्टिमाइज हो सके। उस तरीके से यहाँ मैंने परमालिंक क्रिएट किया हुआ है। तो आपको दोस्तों एक आइडिया लग गया होगा किस तरह से हम परमालिंक क्रिएट करते हैं। बेसिकली अगर आपको नहीं पता किस तरह से क्रिएट करते तो जब भी आप यहाँ पे पोस्ट लिखते हो, जब भी आप पेज बनाते हो तो यहाँ पे आपको लिखने का परमालिंक क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, अगर कट कर सकता हूँ एडिट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परमालिंक क्रिएट कर सकते हो अपना। और किस तरीके से करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी कि यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट करने के लिए, और किस तरीके से एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट करते हैं ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा। और अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो किस तरह से आप पोस्ट टाइप चेंज कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी तरह का इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, या फिर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के जरिए जुड़ करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप 24/7 डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हो। 24/7 लाइव डाउट सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।